हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेदर वर्सेस क्लाइमेट या फिर क्लाइमेट वर्सेस वेदर। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये चैप्टर है किस बारे में और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब पहली कड़ी जो हमारी चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, हम वो यहीं से करते हैं कि क्लाइमेट है क्या, क्या क्लाइमेट और इधर गलत चले गए, क्या क्लाइमेट और वेदर में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो उस चीज को क्या करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, हम क्लियर करने वाले हैं। एक जो प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, आपके स्कूल में क्वेश्चन डेफिनेटली ये पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, व्हाट डू मीन बाय क्लाइमेट, व्हाट डू मीन बाय वेदर, अलग अलग भी एक साथ भी कैसे भी पूछा जा सकता है। तो आइए समझते हैं इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ये। और बहुत से लोगों से आप पूछोगे ना तो वो बोलेंगे नहीं नहीं दोनों एक ही चीज तो होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्लाइमेट क्या है? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, मतलब एक वेदर, दो वेदर, तीन वेदर, चार वेदर, पांच वेदर, और ये सारे वेदर जब एक साथ आप मिलाते हो तो क्या बनता है? क्लाइमेट बनता है। नहीं आया समझ में? अभी नहीं आएगा, रुको। ठीक है, पहले डेफिनेशन समझते हैं। सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, यहां पर देखो ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन फॉर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, ये दो चीजें ध्यान रखना है बस। ठीक है, दो कीवर्ड्स है, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन फॉर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। अब इधर अगर हम क्लाइमेट को देख, क्लाइमेट हमने देख लिया, अब वेदर को अगर देखते हैं तो स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पे ये दो चीज ध्यान रखना है। अब देखो, मैं अगर आपसे कहूं एक चीज, क्या कि क्लाइमेट जो है, तो क्लाइमेट तरह तरह के जो आपको वेदर देखने को मिलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना आज वेदर थोड़ा ठीक नहीं है यार, आज वेदर जो है बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, आज जो वेदर है बहुत ज्यादा हॉट हो रहा है। ठीक है, तो वो वेदर हो गया, मतलब क्या है, जो हम आसान भाषा में अगर हम समझे तो जब क्या कह देते हैं, मौसम। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कि आज मौसम बहुत क्या है, ठंडा है, मौसम बहुत गर्म है, तो ये क्या है, ये स्टेट ऑफ एटमोसफेयर के आपका जो वातावरण है, ठीक है, आपका जो वातावरण है, जो आपके आजू बाजू इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट की स्टेट क्या है, वो इन्वायरमेंट की स्थिति क्या है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक समय पे। हो सकता है कि आज आपको बहुत ठंड लग रही हो, कल बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेदर हो गया, ये जो डे टू डे फिनोमिना होता है। ठीक है, सिंपल से लैंग्वेज में। अब ये डे टू डे फिनोमिना, जब एक दिन का डे टू डे फिनोमिना, दो दिन का डे टू डे फिनोमिना, आप सारे डे टू डे फिनोमिना को मिला लेते हो, ठीक है, तो द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और ये सम टोटल क्या होता है, एक लंबे समय तक चला आ रहा है, तो वो बन जाता है क्लाइमेट। समझाता हूं, देखो कैसे। अब हम क्या है, इंडिया में हम रह रहे, तो हम क्या बोलेंगे कि आज मौसम गर्म है, आज मौसम ठंडा है, आज मौसम ठीक ठीक सा है। ठीक, लेकिन अगर हम जैसे कहें कि अफ्रीका जो है, तो अफ्रीका में भी वहां पे ऐसा मौसम बदलता होगा, उनका जो वेदर कंडीशंस होती होगी तो ऐसे बदलती होगी कि वो बोलते होंगे कि आज क्या है, ठंड लग रही है, आज गर्मी हो रही है, लेकिन वो क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ जलवायु जो है, अफ्रीका का जलवायु, अफ्रीका का जो क्लाइमेट है वो हमेशा कैसा रहेगा, वो क्या बोलेंगे, तो अफ्रीका का क्लाइमेट वैसा बोल देंगे कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है, सेंट्रल अफ्रीका की बात कर रहे हैं, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जैसे मार्जिन्स पे। तो ये क्या हो गया, ये उन्होंने क्लाइमेट बना लिया। क्लाइमेट मतलब एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के ऊपर जिस तरह का जलवायु वहां देखने को मिलता है, जिस तरह का वहां पे क्या कह सकते हैं, क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, एक जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने आपसे कहा क्या रशिया, तो रशिया सुनते से आपके मन में कैसी इमेज आ जाएगी, बर्फ वर्फ या फिर बहुत ठंड वाली, तो वो वहां की क्लाइमेट हो गई है। ठीक है, अब लेकिन वहां पे भी ऐसा होता रहेगा कि किसी दिन उन्हें ठंड कम लगेगी तो वो क्या बोल देंगे कि आज गर्मी है, और किसी दिन ठंड ज्यादा लगेगी तब बोल देंगे कि आज ठंड है, तो वो वेदर कंडीशंस होगी जो डे टू डे चेंज होगी, लेकिन इन जनरल उसकी जो एक इमेज बनेगी, ठीक है, जो पूरे एटमॉस्फेयर की, पूरे जलवायु की उसकी जो एक इमेज बनेगी वो क्लाइमेट कहलाएगा। गेटिंग द आइडिया, ये सिंपल सी चीज थी। ठीक, अब देखो क्या है, तो अगर एलिमेंट की बात की जाए कि क्लाइमेट के भी एलिमेंट और वेदर के भी एलिमेंट, मतलब जो इनका कंटेंट है, तो एलिमेंट रिमेंस द सेम, टेम्परेचर, हम टेम्परेचर के बेसिस पे ही क्लाइमेट बनाते हैं। रशिया में टेम्परेचर कम रहता है तो हम बोलते थे वहां पे क्या है, पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है, और यहां पे भी हम टेम्परेचर के बेसिस पे ही बोलते हैं कि आज मौसम क्या है, ठंडा है, क्योंकि आज टेम्परेचर कम है, तो एलिमेंट सेम रहते हैं, बस डिफरेंस किसका हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है टाइम पीरियड का। तो वेदर कंडीशंस मोर देन 30 इयर्स, अगर 30 साल से ज्यादा कहीं पर किसी तरह की वेदर कंडीशंस देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे रशिया में हम 30 सालों से ऊपर से देख रहे हैं, या फिर 300 साल या फिर 3000 साल कह लो, हमेशा से वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा ठंड रही है, तो वहां का क्लाइमेट हमने क्या बोल दिया कि कोल्ड क्लाइमेट या फिर पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, तो ये प्रोलॉन्ग पीरियड के ऊपर,
एलिमेंट सेम रहेंगे कि वहां पे भी टेम्परेचर के बेसिस पे आप देखोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम आगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या है, वहां पे हमेशा हाई प्रेशर बना रहेगा, विंड्स वहां पे ठंडी चलेंगी, ह्यूमिडिटी कैसी होगी, प्रेसिपिटेशन बारिश कितनी होगी कितनी नहीं होगी। जैसे हम देखें इंडोनेशिया वगैरह, तो प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे हम क्या बोलते थे कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट सेम रहेंगे, बस फर्क क्या हो जाता है टाइम पीरियड का, ये डे टू डे फिनोमेना हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, ये एक लॉन्ग पीरियड प्रोलॉन्ग पीरियड के ऊपर जो स्ट्रेच्ड कंडीशन देखने को मिलती है, वेदर कंडीशन, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, वो क्लाइमेट बनाती है। इतना आसान था बस। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो वेदर कंडीशंस में फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। ठीक है, जैसे हम वेदर की क्या बात करते हैं, बोलते हैं सुबह सो के उठे थे जब क्या है, तब अच्छी धूप निकल रही थी, लेकिन शाम आते आते क्या होने लगी, बहुत तेज हवाएं चलने लगी और ठंड का माहौल बन गया। ठीक है, तो वेदर कंडीशन क्या होती है, मैं फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे, दिन में ही बदल जाती है। तो हम ये तो बात दूर किए कि आज और परसों में वेदर कंडीशन चेंज होगी, वो तो एक दिन के अंदर ही बदल जाती है। ठीक है, तो बट अ कॉमन पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, वीक, मंथ, जो भी हो सकता है। देखो मैं समझाता हूं, जैसे हम क्या देखते हैं विंटर्स, तो विंटर्स में ऐसा हो सकता है कि सुबह आपको धूप लग रही हो, ठीक है, शाम में ठंड बहुत तेज हो जाए, लेकिन तो क्या हो गया, वेदर कंडीशन सुबह की अपेक्षा शाम में चेंज हो गई। ठीक है, एक ही दिन में वेदर कंडीशन बदल गई, लेकिन आप क्या देखोगे कि विंटर्स जैसे स्टार्ट होते हैं नवंबर दिसंबर से, तो वो जैन फेब तक, फरवरी तक अगर हम देखें, तो फरवरी तक एक कॉमन पैटर्न हमें क्या देखने को मिलता है, बट अ कॉमन पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब वो एक हफ्ता हो सकता है, एक महीना हो सकता है, चार महीने हो सकते हैं। तो वेदर कंडीशन एक दिन में भी बदल सकती है, लेकिन एक कॉमन पैटर्न नवंबर से जनवरी तक हमें देखने को मिलेगा कि यार ठंड है। ठीक है, अब वो कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन ठंड रहेगी। तो हम उस बेसिस पे क्या करते हैं, देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है, आपने क्या कर लिया है कि एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन को जनरलाइज कर दिया, बोल दिया कि ये चार महीने तक तो इस तरह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखने को मिलेगी। आया ना समझ में? अब जब चार महीने तक तो इस तरह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखने को मिलेगी, तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो टाइम पीरियड रहेगा विंटर रहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजंस। आया ना समझ में? वेदर कंडीशंस जो रहती है तो वो फ्लक्चुएट होती है, नो डाउट, लेकिन एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दे जाती है। गर्मियों में आपको देखने को मिला है कि मार्च से जून जुलाई तक क्या रहेगा, या फिर अप्रैल से जून जुलाई तक आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि सन जो रहता है ओवरहेड रहता है, तब गर्मी चुभती है, हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत तेज गर्मी है। ठीक है, आप नंगे पैरों से अगर आप छत पे जाते हो या फिर रोड पे चलते हो, तो आपको नीचे क्या लगेगा, पैर में गर्म लगेगा। ठीक है, तो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक कॉमन पैटर्न देखोगे आप, और उस बेसिस पे आप क्या कर दोगे, उस बेसिस पे आप ईयर को जो है सीजन में डिवाइड कर दोगे। तो जैसे हम देखते हैं क्या कि विंटर सीजन को डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, समर सीजन को डिवाइड कर दिया, रेनी सीजन को डिवाइड कर दिया, कि चार महीने आपको पता है कि जुलाई के बाद से क्या है, अक्टूबर नवंबर तक क्या होना है, अक्टूबर नवंबर तक बारिश कभी भी हो जाती है। तो हमने क्या कर दिया, बोल दिया कि ये टाइम पीरियड रेनी सीजन होगा। अब ऐसा नहीं कि 24 घंटे बारिश हो रही है, वही वाली बात, वेदर कंडीशंस में फ्लक्चुएट विद इन अ डे, सुबह बारिश हो रही है, शाम को धूप निकल रही है खूब, लेकिन हम क्या बोलते हैं, वो चार महीने को हमने बोल दिया कि यार ये चार महीने बारिश होती है, तो इसको रेनी सीजन नाम दे देते हम, ऐसा। क्लियर है? तो क्लाइमेट और वेदर में मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंस बता दिया, उसी के साथ साथ मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है तो वो तो सस्टेन करती 30 इयर्स के ऊपर, जैसे हम कहें डेफिनेशन के फॉर्मेट में, तो लेकिन वेदर कंडीशंस जो है, तो वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, साल को सीजन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वेदर कंडीशंस के ऊपर, वेदर कंडीशंस को ऑब्जर्व करने के बाद, हम एक ईयर को अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग सीजंस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इसी बेसिस पर अगर हम कहें तो हमारे सीजंस तो हमारे सब आते हैं, सब कौन कौन से, विंटर भी आएगा, समर भी आएगा, रेनी सीजन भी आएगा, फिर बीच में ट्रांजिटरी सीजंस जो होते हैं, तो जैसे ऑटम होता है, स्प्रिंग होता है, तो सीजन सारे आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्लाइमेट की बात करें, वही वाली चीज, अब आपको क्लियर हो गया कि सीजन जो है वो वेदर के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन क्लाइमेट जो है, तो जो हमेशा इन जनरल हम कह सकते हैं, जैसे रशिया का क्लाइमेट हम बोलते थे पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो इंडिया का क्लाइमेट कौन सा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडिया हैज द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। आया समझ में? उस बेसिस पे इंडिया का जो क्लाइमेट है, तो इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है? अब हमने एक लिंक बना लिए, वेदर क्लाइमेट में डिफरेंस समझ लिया, क्लाइमेट जो रहता है सस्टेन रहता है प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहता है, सॉरी क्लाइमेट जो रहता है प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहता है, और जो बात की जाए किसकी, वेदर की, तो वो वेदर डे टू डे फिनोमेना होता है, चेंज होता रहता है, उसी बेसिस पर हम सीजन को डिवाइड कर देते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि इंडिया का क्लाइमेट कौन सा है, तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और इसी चीज को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आया ना समझ में?
मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सभी चैप्टर्स और चैप्टर्स के सब टॉपिक्स वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जिन्हें आप इसी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और नोट्स भी आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स टीम ने बहुत मेहनत से एक कैरिकुलम डिजाइन किया है, जो है मैग्नेट ब्रेन्स प्लस। मैग्नेट ब्रेन्स प्लस एक ऐसा कैरिकुलम है जिसकी मदद से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को सप्लीमेंट कर सकते हैं, आप एग्जाम्स में और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, फुल मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स प्लस कोर्स जो है, इसकी कीमत आपकी कोचिंग फी की अपेक्षा काफी कम है। इसे आप इस कोर्स में आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। अच्छे टीचर्स, अच्छा कंटेंट और एक बेहतर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अब घर बैठे उपलब्ध होगी। मैग्नेट ब्रेन्स प्लस से जुड़ी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrainsbhopal.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।